Good morning, student. I am Ritika Rathod from Sunita Global School. I will teach you subject English for class first. इससे जो पहला वीडियो था उसमें हमने आपके चैप्टर 9 गीगल हैज टू टैक स्टार्ट कर दिया था और उसकी कुछ बुक एक्टिविटी भी मैंने आपको करवा दी थी और मैंने आपको इस चैप्टर के डिफिकल्ट वर्ड्स प्लस फिलिंग द ब्लैंक्स आपको मैंने आपकी कॉपी में नोटबुक में करवाए थे. आज हम क्या करेंगे, आज हम आपके वर्ड स्मार्ट का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पिक अ वर्ड फ्रॉम द स्टोरी विच इज द क्लोजेस्ट मीनिंग टू द फॉलोइंग, ये क्वेश्चन मैंने आपको बुक में करवाया था ना, तो आज हम ये क्वेश्चन आपकी नोटबुक में भी करेंगे. तो ये क्वेश्चन आप नोटबुक में कैसे करोगे वो मैं आपको बता देती हूँ. तो देखो, ये क्वेश्चन आपको अपनी नोटबुक में करना है. पहले आपने अपनी नोटबुक में डिफिकल्ट वर्ड्स किए थे ना, तो ये 10 डिफिकल्ट वर्ड्स करने के बाद फिर आपने किया न्यू पेपर पे ये फिलिंग द ब्लैंक्स. फिर आज आप क्या करोगे, आज आप ये पिक अ वर्ड फ्रॉम द स्टोरी विच इज द क्लोजेस्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग, ये वाला क्वेश्चन हमने बुक में तो कर लिया था लेकिन कॉपी में नहीं किया था, तो ये क्वेश्चन हम हमारी कॉपी में भी करेंगे. तो देखो, आप नेक्स्ट पेपर पे जहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स लिखा है लिख किया था उसके जस्ट नेक्स्ट पेपर पे आप डेट मेंशन करोगे और क्लास वर्क लिखोगे. क्लास वर्क लिखने के बाद वन लाइन लीव करोगे और हेडिंग डालोगे सी, नंबर डालोगे सी और हेडिंग लिखोगे पिक अ वर्ड फ्रॉम द स्टोरी विच इज द क्लोजेस्ट मीनिंग टू द फॉलोइंग. ओके, अपनी इंग्लिश की नोटबुक में करना है आपको वर्क. हेडिंग लिखी आपने, वन लाइन लीव, क्वेश्चन नंबर वन, यहाँ पे वन लाइन लीव, फिर क्वेश्चन नंबर वन. वन मोर टाइम क्या लिखा आपने, वन मोर टाइम. फिर जस्ट उसके सामने आप लिखोगे अगेन. वन मोर टाइम का मतलब क्या होता है, अगेन. जो ये अगेन लिखोगे उसके नीचे आपको अंडरलाइन करना है. ओके, क्योंकि ये हमारा क्या है, आंसर है, तो इसके नीचे हमने क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, अंडरलाइन करेंगे. तो आपने ये लिखा वन मोर टाइम, जस्ट इसके सामने ही लिखना है आपको अगेन. ओके, जस्ट इसके सामने ही आपको लिखना है अगेन. फिर उसके बाद आप लिखोगे टू वॉश, तो वन नंबर किया उसके बाद वन लाइन लीव करोगे, उसके बाद लिखोगे नंबर टू, लाइन लीव कर करके करेंगे अपन. ठीक है, फिर लिखना है टू वॉश. टू वॉश मतलब रिंस, रिंस के नीचे आप अंडरलाइन करोगे R I N S E, रिंस, R I N S E लिखा, जिसके नीचे मैं आपको अंडरलाइन करने के लिए बोल रही हूँ उस वर्ड के नीचे आपको अंडरलाइन करना है. फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, अ डॉक्टर हु ट्रीट्स अतिथ, जस्ट सामने क्या लिखोगे, डेंटिस्ट. कौन से डॉक्टर होते हैं, उन डॉक्टर को क्या बोला जाता है जो ट्रीट क्या करते हैं, टीथ मतलब दांतों के जो डॉक्टर होते हैं उनको बोला जाता है डेंटिस्ट. तो हमने आंसर क्या लिखा, डेंटिस्ट. इसके नीचे आप करोगे अंडरलाइन जैसे मैंने की है, फर्स्ट किया वन लाइन लीव करके क्वेश्चन नंबर, सेकंड किया फिर वापस वन लाइन लीव, थर्ड फिर वापस वन लाइन लीव, फोर्थ स्ट्रॉन्ग लाइकिंग. स्ट्रॉन्ग लाइकिंग का मतलब है लव, एल ओ वी ई, लव. इसको आप अंडरलाइन करोगे, इसके नीचे आप अंडरलाइन करोगे. ओके, फिर वन लाइन लीव, फिर वन लाइन लीव, फिर फिफ्थ पेन इन टच, क्या लिखोगे, पेन इन टच.
सॉरी टूथ, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, टूथ, मैंने गलती से क्या पढ़ लिया, टच, तो ये होगा पेन इन टूथ, टूथ में पेन होना मतलब टूथ एग, TOOTHACHE, टूथ एग, ओके, टूथ एग के नीचे अंडरलाइन। अब आप को मैं वापस बता देती हूँ, आप कैसे काम करोगे, नेक्स्ट डे क्लास वर्क लिखोगे, उसके बाद सी पिक अ वर्ड फ्रॉम द स्टोरी विच इज क्लोजेस्ट इन मीनिंग टू द फॉलोविंग, ये हेडिंग डाली आपने, उसके बाद वन लाइन लीव, फिर फर्स्ट नंबर, वन मोर टाइम, जस्ट इसके सामने लिखना है अगेन, और अगेन के नीचे अंडरलाइन करना है, फिर वन लाइन लीव करना है, और सेकंड लिखोगे टू वॉश के जस्ट सामने रिंस, RINSE, रिंस लिखा, और रिंस के नीचे अंडरलाइन करना है, फिर वापस वन लाइन लीव, क्वेश्चन नंबर थर्ड, अ डॉक्टर हु ट्रीट्स टीथ, जो डॉक्टर दांत के डॉक्टर जो होते हैं उन्हें बोलते हैं डेंटिस्ट, तो डेंटिस्ट के नीचे अंडरलाइन करना है, फिर वन लाइन लीव, क्वेश्चन नंबर फोर्थ, स्ट्रॉन्ग लाइकिंग, इसका मतलब लव, लव के नीचे अंडरलाइन, फिर वन लाइन लीव, फिफ्थ, पेन इन टूथ, पेन इन टूथ, फिर इसके नीचे लिखना है टूथ एग, ओके, टूथ एग। तो ये हमने आपके क्वेश्चन वर्ड स्मार्ट में से जो क्वेश्चन मैंने आपको बुक में करवाया था वो आज आप अपनी नोटबुक में करोगे, आपकी इंग्लिश की जो नोटबुक है उसमें ये काम करना है, पहले आप डिफिकल्ट वर्ड्स करोगे, फिर आप ये फिलिंग द ब्लैंक्स करोगे, ये मैंने पहले वाले वीडियोस में बता दिया था आपको, और आज मैंने आपको ये क्वेश्चन करवाया है जो कि आपको अपनी नोटबुक में ही करना है, जस्ट फिलिंग द ब्लैंक्स के नेक्स्ट पेपर पे करना है, ओके, जैसे बताया है जान लाइन लीव करने के लिए बोला है वैसे ही आपको ये वर्क करना होगा। अब हम आपकी बुक पे चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन आपको मैंने बुक में करवा दिया था और कॉपी में करवा दिया, उसके बाद क्वेश्चन भी हो चुका था हमारा, लैंग्वेज मार्क में हैव का भी क्वेश्चन हम मैंने करवा दिया था आपको जो कि आपको बुक में करना था, इन कैप्स ऑन में मैंने आपको गुड मैनर्स के बारे में बताया था, गुड मैनर्स कौन से होते हैं, थैंक यू बोलना, प्लीज, सॉरी, तो ये सब वर्ड्स किस में आते हैं, गुड मैनर्स में आते हैं। फिर हमने ये क्वेश्चन इन सब वर्ड्स को अरेंज करके लिखा था कि कहाँ कौन सा वर्ड करेक्टली होगा, तो ये क्वेश्चन भी आपको अपनी बुक में ही करना था। फिर उसके बाद लिसन अवाई में हमने यहाँ पर वर्ड क्लस्टर वाला जो क्वेश्चन है वो किया था, ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा दिया था। फिर उसके बाद राइट अवाइल का जो फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें हमने हैज ऐप का यूज करके यहाँ पे एक नोटिस दे रखा था, किसके बारे में, एक लॉस्ट पेट कैट थी उसके बारे में, उसका नोटिस हमने लिखा था, इसमें हमने हैज और हैव यूज किया था, तो ये क्वेश्चन आपको अपनी बुक में करना था। उसके बाद अप्ले अ वाइल क्वेश्चन एंड क्लिप क्लैप, सॉरी, ये क्वेश्चन क्या है ये पढ़ते हैं, होप एंड क्लैप, शिप, व्हेन आई कॉल आउट अ वर्ड हैविंग यू विल बी होप, व्हेन आई कॉल अ वर्ड हैविंग TH यू विल बी क्लैप, तो ये एक तरीके का गेम्स है जो कि स्टूडेंट्स किसके साथ खेल रहे हैं, टीचर के साथ खेल रहे हैं, तो ये कोई क्वेश्चन नहीं है। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन रीड करते हैं टॉक अवाइल का, इमेज यू आर अ डॉक्टर एंड योर पार्टनर इज योर पेशेंट, इनेक्ट द सीन ऑफ क्लिनिक, अब ये क्वेश्चन क्या है कि आपको समझना है कि आप एक डॉक्टर हो और आपका जो फ्रेंड है वो आपका क्या है, पेशेंट है, और आपको पूरा सीन इनेक्ट मतलब सीन को करना है,
जैसे कि आप क्लिनिक में आए हो, दिखाने आए हो, तो ये सब क्वेश्चन नहीं करने हैं। नेक्स्ट आप पेपर नंबर 93 ओपन करो, उसके अंदर लिखा हुआ है सेलिब्रेट लाइफ इटिंग राइट। इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में है ईटिंग राइट, हमें सही चीजें ही खाना चाहिए। देखो फर्स्ट किसकी पिक्चर दे रखी है, फैट्स ऑयल्स शुगर एंड सॉल्ट यूज इन स्मॉल अमाउंट। हमें क्या खाने में फैट वाली जो चीजें होती है या ऑयल वाली चीजें जो होती है जिसमें शुगर ज्यादा होती है या सॉल्ट, हमें इन सब चीजों का हमें स्मॉल अमाउंट में यूज करना चाहिए। फिर हमारा है सेकंड है मीट एंड अल्टरनेटिव्स, मीट्स के साथ और उसकी अल्टरनेटिव जो चीजें आती है नॉन वेज में, उन चीजों को हमें 2 या 3 सर्विंग पर डे इतना ही लेना चाहिए। फिर है फ्रूट्स वेजिटेबल, फ्रूट्स और वेजिटेबल हमें 2 सर्विंग ईच पर डे, इन्हें हमें पर डे में 2 सर्विंग ईच पर डे खाना चाहिए। फिर है आपका राइस एंड अल्टरनेटिव, राइस और उसके अल्टरनेटिव जैसे कि ब्रेड हो चुका है, आपको कॉर्नफ्लेक्स दिख रहा है और आपको यहाँ पे चपाती जो दिख रही है, इनको 5-7 सर्विंग पर डे के साथ खाना चाहिए। तो यहाँ पे हमें क्या बताया है कि कौन सी चीजें कम खानी चाहिए और कौन सी चीजें हमें ज्यादा खानी चाहिए। नीचे आपको कुछ क्वेश्चन दे रखा है, ऑब्जर्व द फूड पिरामिड, लिस्ट नेम अ 5 फूड आइटम इन ईच कैटेगरी। यहाँ पर 2 कैटेगरी दे रखी है और उनमें अपन को 5 5 फूड आइटम्स के नेम लिखने होंगे। फर्स्ट फूड, फर्स्ट कैटेगरी क्या है, न्यूट्रियस फूड आइटम, और सेकेंड है लेस न्यूट्रियस फूड आइटम, कि जिसमें ज्यादा न्यूट्रिशन होता है उन फूड आइटम का नाम लिखना है, और सेकेंड आपको जिसमें लेस न्यूट्रियस फूड होते हैं उनका नाम लिखना है। तो हम पहले किसके लिखेंगे, जिसमें न्यूट्रियस फूड जो आइटम होते हैं उनके, जैसे कि मिल्क, मिल्क ज्यादा न्यूट्रिशन वाला होता है तो मिल्क लिख सकते हो आप, और बनाना BANANA बनाना, कॉर्नफ्लेक्स CORNFLAKES कॉर्नफ्लेक्स, पटेटो POTATO पटेटो, और कॉर्न CORN। ओके, ये न्यूट्रिएंट्स फूड आइटम हमने कौन कौन से लिखे, मिल्क बनाना कॉर्नफ्लेक्स पटेटो कॉर्न। ओके, अब लेस न्यूट्रिएंट्स फूड जो होते हैं उनके बारे में हम लिखेंगे। तो फर्स्ट हम लिख सकते हैं फैट, फैट वाली चीजें नहीं खानी चाहिए, तो यहाँ पे लिखो आप फैट, शुगर नहीं लेनी चाहिए, हमारी बुक में अभी क्या ले रखा है, शुगर कम अमाउंट में लेनी चाहिए। फिर ऑयल, सॉल्ट, मीट, तो हमने लिखा मिल्क बनाना कॉर्नफ्लेक्स पटेटो कॉर्न न्यूट्रिएंट्स फूड आइटम में, और लेस न्यूट्रिएंट्स फूड आइटम में हमने लिखा फैट्स शुगर शुगर ऑयल सॉल्ट और मीट, ये सब हमें लेस न्यूट्रिएंट्स फूड में आइटम्स में आते हैं। तो जैसे मैंने लिखा है वैसे ही आप अपनी बुक में, सिर्फ बुक में करोगे। ओके, तो अब आपको समझ में आया कि न्यूट्रिएंट्स फूड कौन से होते हैं और लेस न्यूट्रिएंट्स फूड कौन से होते हैं। अब मैंने ये क्वेश्चन आपको करवा दिया जो कि आपको अपनी बुक में ही करना था। यहाँ पे आपका चैप्टर कंप्लीट होता है।
मैंने आपको इस चैप्टर की जितनी भी बुक एक्टिविटी थी वो करवा दी, और आज मैंने आपको आपका कॉपी वर्क भी दिया है। आपका कॉपी वर्क क्या है? ये जो कि आपको अपनी नोटबुक, इंग्लिश की जो नोटबुक है उसमें करना है। उसमें आपको चैप्टर में सबसे पहले डिफिकल्ट वर्ड्स करने हैं, फिर उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स करने हैं, फिर एंड में आपको ये क्वेश्चन करना है। ओके, ये तीन क्वेश्चन हम अपनी नोटबुक में करेंगे, और जितनी भी एक्टिविटी थी वो मैंने आज आपको कंप्लीट करवा दी है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट चैप्टर रीड करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, स्टे होम, स्टे सेफ।